क्या हाल चाल भाई आप लोगों के। अरे क्या हाल है भैया, क्लासेस वगैरह टाइम से ले रहे हो नहीं ले रहे हो? दिल सी कर तो न कायल हूँ। सारे अरमान दिल के। आवाज आ रही है बेटा सबको प्रॉपर? क्या हाल चाल है मेरे बब्बर शेरो शेरनियो, क्या हाल है भैया? यस, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगली स्टूडियो में। मेरे दोस्तों क्या हाल है भाई? हेलो, अरे बोलो मेरे लालाओ, क्या हाल है भैया? यस, जय श्री राम, गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, स्टडी ऑन प्रोग्रेस, वेरी गुड, शाबाश, स्टडी चलता रहना चाहिए। एवरीथिंग इज वेरी गुड ना, बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, वेरी गुड, सब लोग बहुत एक्सेलेंट हैं। मेरे दोस्तों, इम्यून डिसऑर्डर आज अपना लेक्चर नंबर 28 है, पता है आपको? अरे सबको पता है कि नहीं है, कितनी क्लासें हो चुकी है और लगभग लगभग एमएसएन जो है वो फिनिशिंग होने वाला है बेटा, लगभग 29 क्लास है अपनी। लेक्चर नंबर 29 है और एमएसएन लगभग लगभग कंप्लीट होने वाला है। एमएसएन कंप्लीट होते ही फंडा स्टार्ट करूंगा, फंडा कंप्लीट होते ही साइकेट्रिक, साइकेट्रिक कंप्लीट होते ही ओबीजी, ओबीजी कंप्लीट होते ही पीडिया, पीडिया कंप्लीट होते ही मेरे दोस्तों स्वाहा नॉर्थ से, ठीक। और अगर जल्दी कंप्लीट हो गया, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें तो एक एक यूनिट में भरमार पड़ी हुई है एमएसएन के अंदर, तो काफी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका जल्दी कंप्लीट हो गया तो स्टार्ट कर दूंगा मौसमी। क्या शुरू कर दूंगा बेटा? मौसमी, इसकी पीडीएफ सारी की सारी ऐप के अंदर दे रखी है बेटा, वोगली ऐप में मिलती है, सब सब अवेलेबल है वोगली ऐप के अंदर, क्लियर है? तो याद रखना, हम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं और आप लेट आए हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भाई साहब। और बाकी का आपकी क्लास जो होती है रात को 10 से 11, 11:30, इसके अलावा बाकी का पूरा टाइम तुम्हारे पास फ्री रहता है। तो जो भी लोग लेट कमर्स हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है क्लास को, लेट पता चला, किसी कारणवश पता नहीं चला, भूगली के बारे में नहीं जानते थे, तो मेरे दोस्तों उन सब के लिए यही मेरा इंस्ट्रक्शन है कि आप जिस दिन आपका दिन भर आपका फ्री रहता है तो दिन में आप बैठ करके अपनी क्लासें कंप्लीट करो और कंप्लीट करके नोट्स वगैरह रेडी करो, की नोट्स बनाते रहना, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको रिवीजन करने में कोई तकलीफ ना आए। और एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे दोस्तों कि सोंडर 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 सोंडर, बहुत बड़ी बात हो रही थी, सोंडर सोंडर सोंडर। नर्सिंग में बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये कह दिया जाता है सोंडर सोल्व करो, सोंडर सोल्व करो। अब सोंडर सोल्व करना उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कोई सोल्व करवाता नहीं था, सोल्व नहीं करवाते, सब थ्योरी पढ़ा के निकल लेते हैं, थ्योरी पढ़ा देते हैं, कोई भी सोल्व नहीं करवाता है, तो वो बच्चा तो 2 साल 3 साल तक उससे उलझा रहता है। तो अब आपकी ये समस्या जो है वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि आपको खुद ज्यादा परेशान होने की या पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब सीधे वीडियो लेक्चर्स उठाओ गूगली के और उनको एक एक करके कंप्लीट करो, और आपकी पूरी सॉन्डर्स जो है वो टिप्स पे आ जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर हो गया है? तो ये एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाला प्लान है जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, करने ही चाहिए। यानी कि हर एक जिसको भी ये सोच रखा है, जिसने भी कि आपको जॉब लगना है या नॉट सेट क्रैक करना है, तो लेक्चर कंप्लीट करके और आप अपने आप को बूस्टर कर सकते हो, अपने आप की नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। आप जहां भी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो प्रिपरेशन के साथ मेरे दोस्तों सबसे अच्छा ये होगा कि आपकी सोल्डर्स भी निकल जाए, क्लियर है? तो चलिएगा, अब मैं शुरू करता हूँ। हर हर वुगली, घर घर वुगली। आज अपना बेटा इम्यून सिस्टम को हम ले रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम में जैसे कौन कौन सी डिजीज आएगी, जैसे स्क्लेरोडर्मा आएगा, पेम्फाइगस। अच्छा, पेम्फाइगस का क्वेश्चन आया था ना इस बार एम्स के अंदर भी, नॉर्सेट के अंदर। तो मेरे दोस्तों जो भी लोग एम्स एनक्लिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉर्सेट की कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये क्लासेस जो है वो बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम कर रही है। तो आपको पता है इसमें स्क्लेरोडर्मा है, पेम्फाइगस है, एसएलई है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस है, एक होता है टिक बाइट वगैरह की वजह से होने वाली प्रॉब्लम, बोरेलिया बर्डोफेरी, इस तरह की जो प्रॉब्लम है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में आप समझ लो कि सारी दिक्कतें जितनी भी होती हैं, जितनी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं ना, जैसे एड्स वगैरह भी है,
तो जितनी भी इम्यून डिजीज की इम्यून डिसऑर्डर होते हैं बेटा, सबसे पहले आप समझ लो कि ये सारे के सारे ही कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी कि जितनी एलर्जिक रिएक्शन है, लेटेक्स से एलर्जी है, ये सब आज ही इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस होगा, काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, वो सारे ही कनेक्टिव टिश्यू के डिसऑर्डर होते हैं, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात, ये सब में स्किन पर रैशेस का फॉर्मेशन होगा, सबके सब का कोज अननोन है, यानी कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है मैक्सिमम इसमें ऑटो इम्यून होता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, यदि अगर हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स को नहीं पहचान सके, रिकॉग्नाइज नहीं कर सके, तो हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी की सेल्स के ऊपर, कोशिकाओं के ऊपर आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है और उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे एक बीमारी पैदा हो जाती है और ऐसी बीमारी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्रिस्टल क्लियर है गाइज? तो जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं उनका एकमात्र इलाज होता है स्टीरोइड या कोर्टिकोस्टीरोइड, या फिर आप देंगे तो एल्डोस्टेरॉन। तो कोर्टिसोन या एल्डोस्टेरॉन यानी स्टीरोइड थेरेपी ही इसके लिए कारगर साबित होती है। और स्टीरोइड के अंदर गुण क्या पाया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट का। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको समझाया कि हम क्या पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, कौन सी यूनिट चल रही है अपनी। तो ये इस तरीके से होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 768। सबको पता होगा, सबके पास पीडीएफ भी अवेलेबल हो रहा होगा, मैंने सबको ऑलमोस्ट सेंड कर रखा है। एट एडिशन हम सोल्व कर रहे हैं सोल्डर्स का, और एट एडिशन की यूनिट का नाम है इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, एपिसोड नंबर आज हमारा 29 है। आज टोटल 29 क्लासेस मैं कंप्लीट कर लूंगा और लगभग लगभग आज आपकी काफी यूनिट्स पूरी हो जाएगी। तो याद रखो, एक क्लाइंट का आपके पास कॉल आया। क्या कॉल आया? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप हैं और कॉल आया आपके पास, और उसने क्या कहा, स्टेट्स, उसने ये बोला कि ही वॉज जस्ट स्टंग बाय द बम्बली वाइल द गार्डनिंग। जब वो गार्डनिंग कर रहा था, जब उसको किसने काट लिया, बम्बली ने काट लिया। बम्बली लगभग लगभग मेरे बच्चों एक मधुमक्खी के जैसा कीड़ा होता है जो लगभग गार्डन में पाया जाता है। पहली बात समझ लो आप लोग, बम्बली जो होता है वो मधुमक्खी जैसा कीड़ा होता है और वो गार्डन्स में पाया जाता है। उसने काट लिया, बम्बली ने काट लिया इसको। द क्लाइंट इज अफ्रेड। अब पेशेंट डर गया है, क्लाइंट डर गया है, और सीवियर रिएक्शन बिकम बिकॉज सीवियर रिएक्शन ना हो जाए इससे डर उसको पैदा हो गया। बिकॉज द क्लाइंट नेवर, क्योंकि उसने ऐसी घटना एक्सपीरियंस्ड सच अ रिएक्शन जस्ट 1 वीक अगो। उसने ऐसी घटना, ऐसी बम्बली के काटने से होने वाली रिएक्शन अपने पड़ोसी में लगभग 1 वीक पहले देखी थी। विच एक्शन शुड द नर्स टेक? ऐसी स्थिति में आपके पास फोन कॉल पर पेशेंट है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, जरा लेके बताओ। क्या पहला एक्शन आप ले सकते हो, या पहला एक्शन आपके कहा जा रहा है, एडवाइज द क्लाइंट टू सोक द साइट इन द हाइड्रोजन परोक्साइड। पहली बात आपसे कहा कि आप पेशेंट को यह एडवाइस कर दो कि वो हाइड्रोजन परोक्साइड से उस साइट को क्लीन कर ले, ऐसा कहा जा रहा है पहले ऑप्शन में। तो जरा आप अगर समझदार नर्सिंग ऑफिसर हैं, वाकई आपका दिमाग चलता है बढ़िया ढंग से, तो आप जवाब दो। तो मेरे दोस्त, हाइड्रोजन परोक्साइड को तब क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं जब कोई ओपन वुंड हो और उसमें इंफेक्शन हो। बम्बली से तो क्या अंदर जाएगा, टॉक्सिन अंदर जाएगा। क्या अंदर जाएगा बेटा, टॉक्सिन अंदर जाएगा, यानी मधुमक्खी काट लेती है। अब मधुमक्खी काटने के बाद कॉमन सेंस लगाओ आप, क्या हाइड्रोजन परोक्साइड से साफ करने की सलाह दोगे आप? हाइड्रोजन परोक्साइड तो मेरे दोस्तों तब यूज होता है जब कोई ओपन वुंड है और उसके अंदर अगर डेब्राइज है, उसके अंदर डेड टिश्यू है, इन्फेक्शियस मटेरियल है, तो आप हाइड्रोजन परोक्साइड से क्लीन करते हो। इसलिए मेरे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। आस्क द क्लाइंट इफ ही एवर सस्टेंड अ बी स्टिंग इन द पास्ट। आप उससे ये पूछो, क्या आपको पास्ट में पहले कभी जीवन में ऐसा कोई बी स्टिंग मधुमक्खी ने काटा था, बाइट किया था, स्टिंग किया था क्या? तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, फिर पहुंचेंगे अपन सही पे। टेल द क्लाइंट टू कॉल एन एम्बुलेंस। आप पेशेंट को बोलो कि एम्बुलेंस को कॉल करो और ट्रांसपोर्ट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब आप जानते हो मधुमक्खी के काट लेने पर क्या उसको आप ये सलाह दोगे कि फटाफट एज सून एज पॉसिबल आप, कोई कोबरा ने थोड़ी काटा है भाई साहब, कोई जहरीले सांप ने तो काटा नहीं है,
जो आप उसको ये बोलोगे फोन पे कि आप ऐसा करो, इमरजेंसी में कॉल लगाओ और इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल लगाओ और फटाफट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आके भर्ती हो जाओ, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। तो बी स्टिंग के केस में ऐसा करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। टेल द क्लाइंट नॉट टू वरी अबाउट द स्टिंग अनलेस डिफिकल्टी विद ब्रीदिंग अकर्स। मेरे दोस्त, इसको ब्रीदिंग में तकलीफ आने लग गई, सांस में तकलीफ आने लग गई और आप इसको ये बोल रहे हो कि डोंट वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्तों, याद रखना, ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस के केस में आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट की बॉडी में कोई इससे सीवियर रिएक्शन हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? तो याद रखो मेरे दोस्त, फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। सही तो यही होगा कि आप इससे पूछो, क्या आपको पहले कभी इस तरह का बी स्टिंग मधुमक्खी वगैरह ने काटा था क्या? क्योंकि मेरे साथियों, इससे ऐसा अगर इसने एक्सपीरियंस पहले कभी लिया हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा सांत्वनी मिल जाएगी, टेंशन फ्री हो जाएगा कि हाँ कुछ नहीं होने वाला है, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बम्बली स्टिंग का मामला सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, जरा मुझे यहाँ पे बता दो कि बम्बली अगर गार्डनिंग करने पर, गार्डन में मिलती है ये सब, इस तरह का कीड़ा वगैरह जो है वो अगर काट लेता है, स्टिंग कर लेता है, तो पेशेंट को कोई ज्यादा तकलीफ यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मधुमक्खी के जैसा कीड़ा होता है, ठीक हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ सबको? आप में से कोई छात्र कुछ पूछ रहा था, दोबारा मैसेज वो पोस्ट कर सकता है चैट के अंदर, मैं आपके जवाब दे दूंगा। तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर 2। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मजा तो ले रहे हो तुम लोग बढ़िया क्लासेस का। क्वेश्चन नंबर 769 है ये, 769। कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो आप, क्या हो आप? कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो और कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी, आप एक रिसर्च कर रहे हो, किस पे? इज आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट इन द कम्युनिटी एट द रिस्क फॉर द लेटेक्स एलर्जी। भाई साहब, लेटेक्स एलर्जी वाले रिस्की लोगों की आप स्टडी कर रहे हो। विच पॉपुलेशन इज द मोस्ट एट द रिस्क फॉर डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ एलर्जी? लेटेक्स का मतलब होता है मेरे साथियों रबड़। रबड़ से बनने वाले इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप इस पे रिसर्च करो, और आप सोसाइटी में गए, कम्युनिटी में गए और आप अपने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि किन लोगों को लेटेक्स एलर्जी का खतरा होता है, कौन से लोग लेटेक्स एलर्जी होने के लिए ज्यादा रिस्की होते हैं, तो जरा आप निकाल के बताओ। सिर्फ आंसर कर देना सफिशियंट नहीं है, बाकी कैटेगरीज का भी आंसर बताओ, जिन लोगों में लेटेक्स से एलर्जी यूजुअली पाई जाती है उनके सबके नाम बताओ आप। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों याद रखना, सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, SCPs, क्योंकि आपको पता है लेटेक्स से बने हुए ग्लव्स का यूज करना, लेटेक्स से बने हुए कैथेटर्स का यूज करना, यानी रबड़ के काफी ज्यादा इक्विपमेंट मेडिकल के अंदर यूज आते हैं, तो यहाँ पर मेरे साथियों काफी ज्यादा संभावना होती है उन लोगों को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, उन लोगों को लेटेक्स एलर्जी की काफी संभावनाएं बनती है। दूसरा, ऐसे लोगों को जो रबड़ की इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जैसे कि टायर बनाने की फैक्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री, आपकी कार में, गाड़ी में, बाइक में, सब में टायर लगे हुए हैं रबड़ के, तो रबड़ इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी लेटेक्स की एलर्जी का काफी खतरा होते हैं। मेरे दोस्तों, जिनको बार बार लेटेक्स का एक्सपोजर हो रहा हो, अब लेटेक्स का एक्सपोजर कब होता है अपने हॉस्पिटल के अंदर? जब पेशेंट को सर्जरी होती है तो उस समय कैथेटर भी डलता है, ट्रेक्योस्टोमी या ईटी ट्यूब भी डलती है, एनजी ट्यूब भी डलती है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स में बार बार ग्लव्स वगैरह से पेशेंट की बॉडी को छुआ जाता है, तो ऐसे लोगों को भी बड़ा खतरा होता है जिनको मल्टीपल सर्जरी हो चुकी है, तो दे हैव ऑल्सो द वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू डेवलप द लेटेक्स एलर्जी, दे आर वेरी रिस्की। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस और नो? तो मल्टीपल सर्जरी वाले लोगों को भी बड़ा खतरा रहता है, जहां जहां भी रबड़ यूज होगा ना, वहां वहां लोग रिस्की हो जाएंगे, किसके लिए? लेटेक्स एलर्जी के लिए। तो मल्टीपल सर्जरीज वालों को भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर ध्यान रखो बेटा, रट लेना इसको, स्पाइना बाइफिडा वालों को,
जैसा कि सॉन्डर्स में दे रखा है, स्पाइना बाइफिडा। अब इसके पीछे कारण क्या है आई डोंट नो, बट स्पाइना बाइफिडा के केस में भी लोगों को एलर्जी होने का खतरा रहता है। दूसरा, जो फ्रिक्वेंटली ग्लव्स को यूज कर रहे हैं, अब फ्रिक्वेंटली ग्लव्स को कौन कौन यूज कर रहे हैं मेरे साथियों, फ्रिक्वेंट ग्लव्स का यूज कौन कौन से लोग करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ कैटेगरी बताऊं तो आपको पता है, एक तो हेयर ड्रेसर वाले लोग जो हैं बालों की डाई वाई करने के लिए ग्लव्स का यूज करते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा कॉमनली जो ट्रेन में गए हो तो फूड हैंडलर्स लोग जो होते हैं, फूड हैंडलर्स, ये लोग भी बार बार ग्लव्स का यूज करते हैं, तो इन लोगों के अंदर भी लेटेक्स एलर्जी का हो जाता है। एक ऑटो मैकेनिक्स वगैरह के लोग होते हैं, वो भी काफी ज्यादा इसका यूज करते हैं ग्लव्स का, तो उन लोगों में ऐसी एलर्जी होने का खतरा रहता है। इसके अलावा मेरे दोस्त कुछ फ्रूट्स के नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, कौन कौन से फ्रूट्स, जिन अगर ऐसे फ्रूट्स की एलर्जी किसी में देखी जाए तो उस व्यक्ति को लेटेक्स की एलर्जी हो सकती है, तो जरा उन फ्रूट्स के नाम भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या वो फ्रूट, कौन कौन से फ्रूट्स हैं। तो मेरे साथियों यहाँ पर फ्रूट्स के नाम देखिएगा जरा, एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना आप बनाना, जो काफी पॉपुलर होता है, काफी इजिली मिलता है। दूसरा कीवी, अगर कीवी से किसी को एलर्जी है। तीसरा ग्रेप्स वगैरह से भी अगर किसी को एलर्जी है। तीसरा, चौथा बात करूं पाइनएप्पल, पाइनएप्पल से भी अगर किसी को एलर्जी है मेरे साथियों तो उसको भी लेटेक्स एलर्जी हो सकती है, कीवी से हो सकती है, बनाना से हो सकती है, ग्रेप्स वालों को भी होती है। और मेरे दोस्तों कैजू नट, चेस्ट नट, ओके, और मेरे साथियों ये आप याद रखो, बस इतना ही, इतने याद रखो इनका, एडवोकेट, पोटेटोस वगैरह, हेजल नट, ओके, चेस्टनट्स, हेजलनट, ये सब लोगों को भी लेटेक्स की एलर्जी होने का पूरा पूरा खतरा रहता है। जरा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें सूटेबल कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरे साथियों हेयर ड्रेसर वाले लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, राइट आंसर सबको आ गया होगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, बालों की डाई वगैरह करने के लिए, कटिंग करने के लिए ये किसका यूज करते हैं, ग्लव्स का यूज करते हैं। फ्रिक्वेंटली ग्लव्स यूज करने वाले लोग लेटेक्स एलर्जी के प्रति ज्यादा रिस्की लोग होते हैं। तो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड के नहीं, सबको बात क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेटेक्स एलर्जी का, यहाँ पे स्टार लगा लो बेटा, हो सकता है आपसे ये इस बार पूछ लिया जाए, तैयार रहना एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 770, इंटरवेंशन, कौन सा इंटरवेंशन अप्लाई इन द केयर ऑफ अ क्लाइंट दैट आर हाई रिस्क फॉर एलर्जिक रेस्पॉन्स टू द लेटेक्स एलर्जी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मेरे साथियों आपको ये बताना है कि जरा बताइए, जो लेटेक्स एलर्जी से हाई रिस्की लोग हैं उनको आप केयर में, सावधानी में क्या इंस्ट्रक्शन देने वाले हो कि उनको वो सारी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनको लेटेक्स एलर्जी जो है वो ना हो जाए। तो जरा फाइंड आउट करेंगे अपन ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है यूज नॉन लेटेक्स ग्लव्स, वेरी गुड। इनको सबसे पहली बात बोलनी है कि अगर ये हाई रिस्क की लोग हैं लेटेक्स एलर्जी के, जैसे फूड हैंडलर है, हेयर ड्रेसर है, मशीन के मैकेनिक्स हैं, ओके, जैसे कीवी, पाइनएप्पल, इनसे किसी को एलर्जी है तो ऐसे लोग, मल्टीपल सर्जरीज जिसकी हो चुकी है, हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा संभावना होती है लेटेक्स एलर्जी की। तो ऐसे लोगों को हम क्या सजेशंस देंगे वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम सबसे पहला सजेशन देंगे कि अगर आपको ग्लव्स यूज करने की जरूरत पड़े तो आप हमेशा से ही हमेशा नॉन लेटेक्स ग्लव्स ही परचेज करके लेके आए। दूसरा, यूज मेडिकेशन फ्रॉम द ग्लास एम्पुल्स। मेरे साथियों अब मेडिकेशन जो आपको इस किसी क्लाइंट को दिया जाता है, अब मेडिकेशन ज्यादातर जो आती है वो सब लेटेक्स की वाइल में आती है, तो आपको इन्हें ये कहना है कि जो मेडिकेशन आप यूज कर रहे हैं वो सारे ही मेडिकेशन ग्लास एम्पुल में आपको यूज करना है, लेटेक्स वाले एम्पुल्स के मेडिकेशन आपको काम में नहीं लेना है। दूसरी बात भी परफेक्ट है, प्लेस द क्लाइंट इन अ प्राइवेट रूम ओनली।
प्राइवेट रूम से यहाँ पर कोई विशेष फायदा नहीं होगा जिसको लेटेक्स एलर्जी है, प्राइवेट रूम और लेटेक्स एलर्जी का कोई ज्यादा संबंध नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन को इनकरेक्ट कर दो। कीप अ लेटेक्स सेफ सप्लाई कार्ट अवेलेबल इन द क्लाइंट्स एरिया। मेरे दोस्तों इसकी सप्लाई में जितनी भी कार्ट्स वगैरह रखी हुई हैं लेटेक्स सप्लाई करने के लिए मेडिकेशन के लिए, तो ये सब लेटेक्स सेफ सप्लाई इसको किया जाना चाहिए, बात परफेक्ट है। अवॉइड द यूज ऑफ मेडिकेशन वायल दैट हैव रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर वाली मेडिकेशन वायल को भी यूज नहीं करना है क्योंकि इससे भी रबड़ का लेटेक्स का एलर्जी होने का, एलर्जिक रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड। नंबर ऑप्शन 6 दिया हुआ है, यूज अ ब्लड प्रेशर कफ फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओनली टू मेजर द ब्लड प्रेशर। मेरे दोस्तों यहाँ पर ब्लड प्रेशर कफ जो होता है ये भी लेटेक्स का बना होता है, इसलिए याद रखना लेटेक्स से बना हुआ ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट यहाँ पर सजेस्ट नहीं करें, और ब्लड प्रेशर इक्विपमेंट यदि अगर यूज किया जाए तो वो भी मेरे साथियों इसका कफ जो है वो भी लेटेक्स फ्री होना चाहिए, विदाउट लेटेक्स होना चाहिए। क्लियर हो गया है? तो मेरे साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 भी हमारे आंसर में सूटेबल नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए 6th ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इसे इनकरेक्ट करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन होने वाले हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एवरीवन अंडरस्टूड? जरा यहां तक मुझे एक बार आपका फीडबैक दें कि सर एवरीथिंग इज अंडरस्टूड वेरी वेल, फिर आगे पढ़ाऊंगा आपको। अरे लक्ष्य हासिल हो ना पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। बिल्कुल क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 771। द क्लाइंट प्रेजेंट एट द प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए आपके पास पेशेंट आया है, प्रोवाइड प्रोवाइडर्स ऑफिस और कंप्लेन ऑफ द रिंग लाइक रैश ऑन हिज अपर लेग। मेरे साथियों इसके ऊपरी लेग पर क्या हो रहे हैं, रिंग जैसे रैशेस हो रहे हैं। विच क्वेश्चन शुड द नर्स आस्क द फर्स्ट। आपने क्या देखा, इसकी जो अपर थाई है मेरे साथियों, यहां पर ये देखिए आप सिचुएशन किस तरह की है, ये थाइज है, अपर थाइज एरिया पर क्या हो रहे हैं, रिंग लाइक रिंग रैशेस हो रहे हैं, रिंग लाइक रैश हो रहे हैं। तो जरा आप इससे ये आपके पास दिखाने आया है और आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आप इससे पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे, जरा आप पूछ के बताओ मुझे कि सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन यह पूछने वाला हूं। क्या पूछने वाले हो फर्स्ट क्वेश्चन? सच में ही यही पूछोगे या तुक्का मार रहे हो, क्या समझे आप इससे? रॉन्ग ऑप्शन। सुनिए ध्यान से, अब सबसे पहले तो आपको मैं अगला पेज ले रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त कि रिंग लाइक रैश और स्पेशली कहां, स्पेशली कहां कहां पर, स्पेशली ऑन अपर थाइस बटॉक्स, अपर थाइस बटॉक्स
legs, arms, axilla, यदि मेरे दोस्त अगर इन एरियाज पर आपको याद रखना, अगर इन एरियाज पे आपको कभी भी कोई पेशेंट दिखे और उसको रिंग लाइक रैशेस हो रहे हैं, गोल गोल से रैशेस हो रहे हैं, और स्पेशली कहां, अपर थाइज हो गया, आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, बटॉक्स हो गया, उसका ग्रोइन एरिया हो गया, अगर इन एरियाज में मेरे साथियों कभी भी किसी क्लाइंट के अंदर रिंग लाइक रैशेस आपको देखने को मिले, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ जाओ, इससे ये पूछो, सबसे पहली बात ये पूछो, क्या आप गार्डन वगैरह में गए थे क्या? गार्डन वगैरह में घूमने गए थे क्या? अब मैंने ये क्वेश्चन क्या पूछा, रिंग लाइक रैशेस ऐसा पूछो इससे, आप क्या पूछोगे, क्या आप कहीं गार्डन वार्डन में, कोई वुडन वाले एरिया में जहां पर घास होती है, लकड़ियां होती है, वुडन एरियाज में सड़ा गला कबाड़ होता है, कबाड़ समझते हो ना, कबाड़ी वाला कबाड़, ऐसे एरिया में कहीं पर आप गए थे क्या? अगर ऐसे एरिया में गए थे तो मेरे साथियों इसको एक कीड़े ने काट लिया है, और आपको पता है उस कीड़े को हम टिक कहते हैं, क्या कहते हैं, टिक बाइट। तो टिक बाइट के काट लेने से ही मेरे दोस्तों, और ज्यादातर ये जो काटता है ना, ये इन एरियाज पे काटता है, इन एरियाज पे काटता है, डू यू अंडरस्टैंड। तो मेरे साथियों इन एरियाज पे काटने के बाद, टिक बाइट के काटने के बाद इसको रैशेज होंगे, और वो रैशेज कैसे होंगे, इस तरह के, इस तरह से रिंग लाइक रैशेज होंगे, ऐसे 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 गोल गोल से रैशेज होंगे, इस तरह के रैशेज यदि अगर इसकी बॉडी पर हो रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, ऐसे रिंग लाइक रैशेज का हो जाना मेरे साथियों, इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं लाइम डिजीज। क्या कहते हैं, लाइम डिजीज। तो लाइम डिजीज जस्ट अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और डिसऑर्डर ऑफ द सबक्यूटेनियस दैट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द टिक्स दैट इज फाउंड इन द वुडन एरियाज, और दिस टिक इज बाइटेड ऑन द अपर थाइज, बटक्स एंड द एक्सिला एरियाज, अपर आर्म्स, चेस्ट, ग्रोइन, दीज एरियाज आर स्पेशली अफेक्टेड बाय दिस bite of this tick, and the rashes, the structure of the rashes is that looks like, these rashes looks like that, the ring like structure. So this disease is identified as the Lyme disease. Everyone understood ki nahi, baat clear hua ki nahi hua, aur Lyme disease agar kisi ko ho jaye mere saathiyo, to is disease ki khas baat hoti hai ki body mein ekdam reaction ho jayega, मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो जाएगा। क्या हो सकता है इसके कारण, खतरनाक स्थिति क्या पैदा हो सकती है, मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो सकता है, दैट इज अ वेरी रिस्की डेंजर आफ्टर द बाइट ऑफ द टिक लाइम डिजीज। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ सब लोगों को? सर एम्स में आया था ये क्वेश्चन, वेरी गुड, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जो यहाँ पर आप लाइम डिजीज देख रहे हो, पेम्फाइगस देख रहे हो, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एड्स के क्वेश्चन है, आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से सिखा रहा हूँ पूरी मेडिकल सर्जिकल, क्योंकि आप तो जानते हो मेडिकल सर्जिकल की वजह से हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है और रुक भी सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज का सब्जेक्ट है अपना ये MSN। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो यहां पर मेरे साथियों आप समझ गए, इस तरह के रैशेस का फॉर्मेशन होगा, और यहां देखिए जरा ध्यान से कि अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कि व्हाट क्वेश्चन यू विल आस्क टू योर पेशेंट फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन, यू हैव एनी केट, कैट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। Have you been camping in the last month? क्या आपने कोई कैंपिंग वगैरह किया था? बात परफेक्ट है। Have you close contact had any flu-like symptom within the last few weeks? Flu-like symptoms का कोई रोल नहीं है।
Have you been in the physical contact with the anyone who has the same type of rash? ये contact से फैलने वाली बीमारी नहीं है. तो right option is the option number 2. Crystal clear हो गया कि नहीं हुआ है सब लोगों को? I think everyone understood. Clear है बेटा? Ring like rashes just after the bite of the tick, what will happen? The ring like rashes will appear on the site where the client has bite. That reaction occurs in the connective tissue or subcutaneous, and the ring like rashes start to form at the multiple sites on the body, or it can cause the multi-system failure. So the Lyme disease may be a very risky condition. Do you understand everyone guys? यहाँ पर एक बार आप लोग मुझे बता दें कि सब बातें जो है बिल्कुल वन बाई वन करके क्लियर होती जा रही हैं. कलिका पुजारी, गुरुजी नो वन ग्रेट टीचर एज यू आर. थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर वंडरफुल कमेंट. थैंक यू सो मच. एवरीवन अंडरस्टूड? अरे क्लियर है कि नहीं है यहां तक गाइस? वेरी गुड. शाबाश. इंसेक्ट है बेटा, टिक क्या होता है? इंसेक्ट होते हैं. ओके नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पढ़ो इस क्वेश्चन को. क्लाइंट इज डायग्नोस्ड, फाइनल हो चुका है स्क्लेरोडर्मा प्रॉब्लम इसे है. विच इंटरवेंशन, आपको बताना है कौन सा इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटीसिपेट टू बी प्रेस्क्राइब. आप इसको क्या इंटरवेंशन प्रेस्क्राइब करेंगे अगर किसी को स्क्लेरोडर्मा हो गया है तो. मेरे दोस्तों विक्रम, 7 days पहले पता चला था क्लास के बारे में, आज लाइव तक पहुंचा हूं प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट करके. वाओ विक्रम, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट विक्रम, नाइस टू सी यू हियर. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम. माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या, यहां पर ध्यान दो. अब ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ लिया ना सब लोगों ने? पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लो. सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो तो मुझे बता दो. पढ़ लिया? अब देखो इधर मेरे दोस्तों, हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू कहां कहां होता है? कनेक्टिव टिश्यू में आप जानते हो सबसे पहला टिश्यू स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू. यानी स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल यदि मैं कहूं आपसे तो लिगामेंट, लिगामेंट और टेंडन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है. दूसरा मेरे साथियों, मैं कहूं आपसे यदि अगर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और बोन दोनों कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक. तीसरी बात यदि मैं कहूं मेरे साथियों एडिपोस, तीसरे टाइप का कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? एडिपोस. तो एडिपोसाइट सेल्स होती हैं. और नंबर 4 यदि मैं आपसे बोलूं फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में यू नो दैट कि एक तो लिम्फ होता है और मेरे साथियों ब्लड होता है. अब यदि मैं आपसे ये बोलूं कि किसी भी व्यक्ति को कनेक्टिव टिश्यू का यदि अगर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या कनेक्टिव टिश्यू का डिजीज हो जाए तो उसको कौन कौन सी साइट्स अफेक्ट होंगी, एवरीवन अंडरस्टूड?
कहां कहां इसका इफेक्ट आएगा, एवरीवन अंडरस्टूड? तो कनेक्टिव टिश्यू के केस में मल्टीपल सिस्टम फेल होने का कारण भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक डिजीज के बारे में बात कर रहा हूं, और ये डिजीज जो होता है ऑटो इम्यून तरीके से पेशेंट को हो जाता है। तो स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा क्या है मेरे साथियों? एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होता है, और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के केस में जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे की सारे ही सिस्टम, सारे की सारे ही ऑर्गन अफेक्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसी डिजीज होती है मेरे दोस्तों, तो इस पेशेंट को बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो जरा क्या होगा, इसके जो बोन्स हैं, बोन्स के अंदर मेरे साथियों क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाएगा। जॉइंट्स में एकदम कनेक्टिव टिश्यू रिएक्शन होते ही जॉइंट्स में स्टिफनेस आने वाला है, जॉइंट्स में पेन होने वाला है। तो जॉइंट्स में स्टिफनेस या पेन से रिलीफ करने के लिए हम इसको बोलेंगे रेस्ट करो। क्या करो? रेस्ट। मेरे साथियों, इसका इसोफेगस भी इन्वॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे, और इसोफेगस यदि अगर इन्वॉल्व हो गया तो इसको ये कहना है कि खाना खाने के बाद में आप 1 से 2 घंटे रेस्ट करें, रेस्ट आफ्टर मील। खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे आप रेस्ट करा करें आफ्टर मील। मेरे दोस्तों, जब भी कोई कनेक्टिव टिश्यू का डिजीज होता है तो जॉइंट्स में कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए मेरे साथियों, ऐसा ही आपको मैं स्क्लेरोडर्मा के साथ सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस इसकी भी बात कर रहा हूं, ये भी सेम प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी किसी डिजीज के अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी दवा यूज करते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाली दवा, यू नो दैट, कौन सी होती है? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या यूज करना है? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इसको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब किया जाए, क्या करेंगे ये? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के कारण मेरे साथियों इसकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स की मोबिलिटी वगैरह बढ़ेगी, और इससे जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस, पेन वगैरह जो है वो कम हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो गाइस, अगेन यहां पर ऑप्शंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, कौन सा मैच हो रहा है। मेंटेन अ बेड रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, कह रहा है कि एज मच एज पॉसिबल बेड रेस्ट देंगे। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी नहीं कि इसको ये कह दो आपकी बिल्कुल बेड से उतरना ही नहीं है। एज मच एज पॉसिबल आने की वजह से ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। एडमिनिस्टर स्टीरोइड एज प्रेस्क्राइब फॉर इन्फ्लामेशन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे दिया। एडवाइज द क्लाइंट टू रिमेन सुपाइन फॉर 1 to 2 hours आफ्टर मील, मेरे दोस्तों यहां पर कह रहा है कि रिमेन सुपाइन फॉर 1 to 2 hours आफ्टर मील, जब तक कि मेरे दोस्तों इसोफेगस इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक हम इसको मील के बाद ऐसी एडवाइजरी नहीं करेंगे। और सुपाइन की जगह खाना खाने के बाद आप इसको सिटिंग के लिए कहेंगे, ना कि सुपाइन के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। कीप द रूम टेम्परेचर वार्म, वार्म रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, नॉर्मल मेंटेन कर किया जाएगा मेरे साथियों। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 केवल सूटेबल बैठ रहा है हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। डू यू अंडरस्टैंड? तो क्या आप सब मेरे साथियों, स्क्लेरोडर्मा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? ऑटो इम्यून रीजन की वजह से कनेक्टिव टिश्यूज में इन्फ्लामेटरी चेंजेस आ जाना, रिएक्टिव चेंजेस आ जाना, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोडर्मा। तो एवरीवन अंडरस्टूड की और नॉट? बात समझ में आया कि नहीं आया? जरा यहां पर बात को वैलिड कर दीजिएगा आप। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर है 7
773। अरे वाह भाई साहब, 173 लाइव की संख्या और 773 क्वेश्चन आया, क्या गजब का मिला है दोनों में। 173 लाइव और 773 यहाँ पे क्वेश्चन, वेरी गुड। जरा क्वेश्चन को समझिए आप। क्लाइंट अराइव्स एट द हेल्थ केयर क्लिनिक, आपके पास पेशेंट आया, टेल द नर्स दैट सी वॉज जस्ट बाइटन बाय अ टिक, और टिक के बाइट करने से कौन सी बीमारी होती है आप तो समझते ही हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया, लाइम डिजीज, और वुड लाइक टू टेस्टेड फॉर द लाइम डिजीज, वेरी गुड। द क्लाइंट टेल द नर्स दैट सी रिमूव्ड द टिक एंड फ्लश डाउन इनटू द टॉयलेट, इसने कहा कि मैंने टिक को रिमूव करके और टॉयलेट में डाल दिया और फ्लश चला दिया, साला मर गया होगा, यस सुनो बह गया, ऐसा इसने कह दिया। बहुत अच्छी बात है, क्लाइंट है, कुछ भी कह सकता है, नाराज नहीं होना है बेटा, अंडरस्टैंड। मैंने कहा विच एक्शन, जरा एक्शन आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। लाइम डिजीज का पेशेंट आया, कौन कौन से एक्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होंगे अभी आप देखो, इसमें आपको मजा आ जाएगा इसके केस में। जरा आप इसका मुझे एक बार आंसर बता दो, पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से ऑप्शंस को और आंसर निकाल के बता दो, और मेरे बेटा आपको फिर मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। अरे ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीवन में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे है सीने में। लाइक इट, 6 दिन पहले पता चला, आज लाइव सेशन पे पहुंच गए, वाह वेरी गुड बेटा, आप बहुत अच्छा समझाते हो, वेरी गुड, शाबाश, ये क्वेश्चन पक्का नोट सेट में आएगा, वाह वेरी गुड वेरी गुड। संजय सीकर, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अरे किसने कह दिया तुम नहीं कर सकते, मेरे पास लाके खड़ा करो उसको, कौन है ऐसा हिम्मत वाला, यूं बोलना कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, जिसका गुरु बलवान उसका चेहरा चेला पहलवान, किसकी इसी मजाल की तुम्हें ये कह दिया उसने, तुम गुगली के स्टूडेंट हो भाई साहब, कौन कह दे कि तुम नॉर्सेट में नहीं क्रैक कर पाओगे। अब मैं आगे पॉइंट पे बढ़ूं क्या, अब बढ़ूंगा मैं, वेरी गुड। अब आपको अब हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो कॉपी में, लाइम डिजीज, लाइम डिजीज। आपको पता है ये टिक के बाइट करने से होती है, टिक कहाँ पाए जाते हैं, वुडन लकड़ी कबाड़ जहां पे भी होता है वहां टिक पाए जाते हैं, ये बाइट कर लेते हैं। अब आप यहां पर लिखो 46, जो जो मैं बोलूं वो लिखते जाओ, 40, 34, 68, 40, 34, 68 और 23, ये कोड लिख लो आप, लाइम डिजीज के कोड हैं ये, 40, 34, 68। अब मेरे साथियों याद रखना, सबसे पहला जो इसकी एंटीबॉडी बनती है, कभी भी किसी को टिक काट लेगा तो टिक क्या करेगा, टॉक्सिन अंदर भेज देगा ब्लड में। अब ब्लड में टॉक्सिन जाते ही हमारा ब्लड क्या बनाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी। तो सबसे पहले यहां पर बनने वाली एंटीबॉडी जो होगी मेरे साथियों वो होगी इम्यूनोग्लोबुलिन एम। कौन सी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, यानी मैंने कहा एक बाइट ने क्या भेज दिया, एंटीजन भेज दिया। अब एंटीजन हमारे लिए क्या है साथियों, एक टॉक्सिन है, क्या है, टॉक्सिन। तो जैसे ही टॉक्सिन जाएगा तो हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तो सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी बनती है, फर्स्ट एंटीबॉडी, याद रख लेना, फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपियर इन ब्लड, ब्लड में अपियर होने वाली सबसे पहली एंटीबॉडी कौन सी होगी मेरे साथियों, ये वाली इम्यूनोग्लोबुलिन एम।
अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम 6 से 8 वीक में पीक लेवल पे चली जाती है। अब इसके बाद दूसरी एंटीबॉडी इसने 2 से 3 मंथ में अपियर होती है और वो होते इम्यूनोग्लोबुलिन जी। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो मेरे साथियों यहां पर ये है वीक के अंदर और ये वैल्यू है मंथ के अंदर। तो कोड क्या बताया मैंने आपको? कोड बताया 46, 34, 68 और 23। लाइम डिजीज के कोड बताओ जरा एक बार सब लोग। कालिका सर सेवा कर रहे हैं, मैं 2 टीचर्स को फॉलो करता हूं, साहू सर को और डॉक्टर नीरज भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, बट वो ओबीजी पढ़ाते हैं। वेरी गुड, शाबाश। डॉक्टर नीरज को भी थैंक यू कहना मेरी तरफ से, देशभक्ति और बच्चों को सही ढंग से पढ़ाते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सही ढंग से पढ़ाना ही असली सेवा होती है, ईश्वर की सेवा होती है। शिक्षा का दान महादान। कोड याद हो गए सब लोगों को? कोड याद हो गए? अब मेरे दोस्त यहां पर सारे कोड में आपको मैं समझा दिया मैंने आपको कंप्लीट 46, 34, 68, 23 ये कोड याद रखने हैं लाइम डिजीज के। अब 3 से 4 वीक के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनती है, सबसे पहले अपियर होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है टिक बाइट के बाद। 6 से 8 वीक में ये पीक लेवल पे फॉर्म हो जाती है एंटीबॉडी और 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर इसकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन जी बन जाएगा। अब मेरे दोस्त इसके लिए एक ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, ब्लड टेस्ट अवेलेबल है। तो ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे? एंटीबॉडी का पता लगा लेंगे। कौन सा? एंटीबॉडी टेस्ट। तो जरा एंटीबॉडी टेस्ट यदि मैं पूछूं आपसे कि एंटीबॉडी टेस्ट कब परफॉर्म करना चाहिए, तो जरा ऑप्शन देख के बताना, 1 वीक के बाद ही या जस्ट आफ्टर बाइट, जस्ट आफ्टर टिक बाइट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिया आपको, तीसरा ऑप्शन मैं देता हूं दोस्तों यहां पे इनमें से कोई सा भी 3 से 4 वीक में, और चौथा ऑप्शन दूंगा आपको मैं 4 से 6 वीक में। ये लो आपके पास ये ऑप्शन 1, 2, ये ऑप्शन 3 और ये ऑप्शन 4। अब आपसे मैं पूछूं यदि अगर कि आपको एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए, इस पेशेंट के लिए ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, तो कौन से टाइम पर आप इसका ब्लड टेस्ट करवाना ज्यादा ठीक समझोगे बताओ जरा। एंटीबॉडी टेस्ट होता है लाइम डिजीज के लिए, तो ब्लड टेस्ट कब करवाना उचित समझोगे मेरे दोस्तों? तो कॉमन सेंस लगाओ अब आप कि इसकी एंटीबॉडी ही बनती है। जैसे आज किसी को टिक बाइट कर लिया, लाइम डिजीज हो गया, तो उसकी एंटीबॉडी अपियर ही कब होती है? लगभग 3 से 4 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद, और ये 6 से 8 वीक में बहुत पीक लेवल पे होती है। तो अपन को ये कहना है कि 4 वीक के बाद, 4 वीक के बाद ही टेस्ट सक्सेस जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? 3 में बनना शुरू हुई, 4 में बन गई, तो 4 वीक के बाद ही इसका सही रिजल्ट आपको मिलेगा। 4 वीक से पहले टेस्ट करवाओगे, कुछ भी नतीजा नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सही उचित समय क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 4 से 6 वीक, क्योंकि 6 से 8 वीक में ये पीक लेवल पे, तो हम लोगों को इसका टेस्ट करवाना चाहिए 4 से 6 वीक के अंदर अंदर। टिक को कभी भी रिमूव करने के लिए मेरे दोस्तों, हमेशा इसको रिमूव करने के लिए ट्वीजर का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्वीजर क्या होती है? ट्वीजर होती है आपके घर में जो फोर्सेप लिखी रखी हुई है, जो आईब्रो वगैरह बनाने की जो एक ट्वीजर होती है बार्बर के पास में, वो ट्वीजर यहाँ पर पार्लर वाली के पास में, वो ट्वीजर काम में लेकर के और इसको रिमूव करना होता है, और देन उसके बाद एंटीसेप्टिक लगा करके उस एरिया को वॉश करना होता है। तो क्या क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ सब लोगों का, कि किस तरीके से मेरे दोस्तों जो यहां पर आपको लाइम डिजीज मैंने सिखाया, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर देन व्हेन सिम्टम अकर आफ्टर बाइट टिक, बाइट टिक, मुझे तो आप में सपने में भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। अरे भाई साहब,
सपने में भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, इतना खो जाओगे तो कैसे पार बढ़ेगी। वेरी गुड सर। देन व्हेन सिम्टम, सिम्टम जो शुरू हो जाएंगे बेटा, सिम्टम तो एंटीजन से आएंगे, एंटीबॉडी अपियर होना दैट इज अ डिफरेंट मैटर, और सिम्टम जो आएंगे वो किसकी वजह से, इस टॉक्सिन की वजह से, एंटीजन की वजह से। तो चलो अब क्वेश्चन पे देखो आप क्या क्या ऑप्शंस मैच हो रहे हैं, जरा मैक्स कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन, टेल द क्लाइंट दैट टेस्टिंग इज नॉट नेसेसरी अनलेस द ऑर्थ्रेल्जिया डेवलप, जब तक जॉइंट्स में पेन शुरू नहीं होगा जब तक टेस्टिंग करवाना उचित नहीं है, क्या ऐसा बोलोगे क्या? नहीं। टेल द क्लाइंट टू अवॉइड एनी वुडी ग्रासी एरिया दैट मे कंटेन द टिक, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इमीडिएट स्टार्ट टू टेक द एंटीबायोटिक दैट आर प्रेस्क्राइब, तुरंत आप इस दवा को शुरू कर दो, ये भी बात परफेक्ट बोली। इन्फॉर्म द क्लाइंट टू प्लान टू हैव अ ब्लड टेस्ट 4 to 6 week आफ्टर द बाइट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द डिजीज, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली। टेल द क्लाइंट दैट इफ दिस हैपन अगेन टू नेवर रिमूव द टिक बट विगरसली स्क्रब द एरिया विद द एंटीसेप्टिक, नहीं भाई साहब। तो ऑप्शन क्या क्या करेक्ट मिले हम लोगों को, सिर्फ 2, 3 और 4, ये मिल गई हमें सफलता। बताओ अब कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक ही तो होगा ये, एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाना, इम्यूनोग्लोबुलिन एम का पाया जाना ही तो कंफर्मेटिव होगा। कुछ भी क्या पूछ रहे हो बेटा, मेडिको वर्ल्ड। मुस्कान किसने पूछा था? शेषा ठाकुर। बात समझ में आ गया, कंफर्मेटिव ही होगा ये, हो गया कि नहीं हुआ आप सबको कंफर्म? अरे तुम्हें कंफर्मेटिव डायग्नोसिस मिला कि नहीं मिला वुगली में पढ़ाई करने के बाद, अपन को विश्वास आया कि नहीं आया, यहाँ बताओ मुझे। तो जितने लोग मेरे से पढ़ाई करते हैं, अभी पढ़ते हैं एक तो, और मैक्सिमम तो बाद में देखते हैं भाई साहब, सुबह के टाइम, दिन के टाइम पे, तो जितने लोग भी देखते हैं, क्या तुम लोगों को कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ कि हाँ यार वाकई में हम लोग इस साहू सर की मेहनत से हमारी जीवन बन जाएगी, हमारा करियर बन जाएगा? क्योंकि देखो पकापक नहीं करना है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ऐसा ओ ये हो गया, फलाना हो गया, ढिगड़ा हो गया, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। आप बहुत शांति से पढ़ाई करो, काफी अच्छे से सीखो, सिस्टमेटिक सीखो। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, 1 by 1 करके कौन सी यूनिट करवा रहे हैं, मतलब आपके दिमाग को पूर्ण रूप से सेटिस्फेक्शन देने वाली क्लासेस हैं ये, जो क्लासेस अभी आप अटेंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया है सब लोगों को? बिल्कुल। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 774, नर्स इज प्रिपेयरिंग, क्वेश्चन पढ़ो क्या, नर्स इज प्रिपेयरिंग अ ग्रुप ऑफ द क्यूब स्काउट्स, क्यूब स्काउट वाले लोगों का एक ग्रुप है, इनको आप क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो ओवरनाइट कैंपिंग के लिए, ओवरनाइट पूरी नाइट कैंपिंग ट्रिप होगा। इंस्ट्रक्ट द स्काउट्स अबाउट द मेथड्स टू प्रिवेंट द लाइम डिजीज, लाइम डिजीज का प्रिवेंशन बताना है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, आगे मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरा आप भी मुझे बता दो कि किस तरीके से लाइम डिजीज से बचा जा सकता है। एक तो कहीं पे इंसेक्ट आके, टिक आके और आपको पप्पी ना कर जाए, किस ना कर जाए, इसलिए पूरी शर्ट पहनो, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनो जब भी कभी बाहर कैंपिंग के लिए जाओ, और रात्रि के समय स्पेशली। तो मेरे दोस्तों फुल स्लीव्स वाले टॉप एंड लॉन्ग पैंट पहननी है, फुल स्लीव्स टॉप और लॉन्ग पैंट आपको पहननी है, और साथ के साथ ही कपड़ों पर और शर्ट पर रेपलेंट्स, इंसेक्ट रेपलेंट्स यूज करनी है, बिकॉज इट विल अट्रैक्ट द टिक्स। आई शुड नॉट यूज, नहीं तो आई नीड टू ब्रिंग अ हैट टू वियर ड्यूरिंग द ट्रिप, हैट से काम नहीं चलेगा। तो विच स्टेटमेंट बाय वन ऑफ द स्काउट इंडिकेटर नीड फॉर, अरे यार यहाँ पे तो फर्दर इंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है बेटा, अभी तो मैं गलत कर बैठता, पूरा नहीं पढ़ने का नतीजा देख लिया ना तुम लोगों ने, देखा नहीं देखा,
पूरा पढ़ना चाहिए, मतलब फर्दर इंस्ट्रक्शन यानी कौन सी बात गलत कह रहा है। आई नीड टू ब्रिंग अ हैट टू वियर ड्यूरिंग द ट्रिप, ट्रिप के समय हैट पहननी चाहिए, बात सही है। आई शुड वियर लॉन्ग स्लीव टॉप और लॉन्ग पैंट, बात सही है। आई शुड नॉट यूज इंसेक्ट रेपलेंट्स बिकॉज इट विल अट्रैक्ट टिक्स, ये तो टिक्स को दूर करती है, अट्रैक्ट नहीं, इसलिए ये गलत बात कह रहा है कि नहीं करूंगा, रेपलेंट का यूज नहीं करूंगा। तो करना है, कैसे नहीं करेगा, आई नहीं, ट्रिप पे नहीं ले जाएंगे तुझे, मना कर देना अगर तू इंसेक्ट रेपलेंट यूज नहीं करेगा, नहीं ले जाएंगे तुझे भी ट्रिप पे, यस और नो, कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा यूज, अरे यस और नो। तो भैया थर्ड ऑप्शन में जवाब आ गया, इस बात पे समझाना है आपको। आई नीड टू वियर द क्लोज शूज और सॉक दैट कैन बी पुल्ड ओवर द माई पैंट, बिल्कुल सही बात है, लंबे कपड़े उपड़े पहनना यही सही बात है। तीसरा ऑप्शन गलत कह रहा है, इस पे फर्दर इंस्ट्रक्शन या फर्दर टीचिंग करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया ना आपको, तो क्वेश्चन अगला करो भाई साहब, 775। मुस्कान सर, हमारा यूट्यूब का क्लास बहुत छूटा है और लाइव क्लास 10 से 2 PM का छूटा है और हम ऐसे जल्द ही पूरा कर लेंगे, बट हम थैंकफुल बोलेंगे बीपी सर को जिन्होंने हमें आपका क्लासेस लेने को बोला। बीपी सर कौन से हैं बेटा, ये बीपी सर की जानकारी बताओ मुझे। बीपी सर को मैं भी थैंक यू बोलूंगा कि आपको ऐसा बढ़िया गाइडेंस उन्होंने किया जिससे आपको आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो ऐसे बीपी सर की तरह ही आप में से जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स का, अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, अपने जूनियर सीनियर जिनको नहीं जानकारी है उनका वाकई में अगर आप दिल से भला चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों हमें बहुत बेटर अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि उससे उसको तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा लेकिन कम से कम उन लोगों का कैरियर बिल्डअप करने में आपका सहयोग जो है वो एक अंकित हो जाएगा कि आप कम से कम उन लोगों को अपने सजेशन से आगे बढ़ा रहे हो, अपने गाइडेंस से आगे बढ़ा रहे हो। अगेन थैंकफुल टू बीपी सर, जो भी है बीपी सर, आई डोंट नो, बट कभी मौका मिला तो बीपी सर से मिलेंगे। ओके, क्लियर है बेटा। देखें, बलराम प्रकाश सर और ऋषि सर, सर ऋषि सर आपके फ्रेंड भी हैं, अरे फैकल्टी है अपने ऋषि सर, ऋषि सर अपने बीएचयू के अंदर फैकल्टी है, बीएचयू में काम करते हैं और अपने यहाँ फंडा वही तो पढ़ाते हैं ऋषि सर ही, ठीक, अभी कभी मिलवाऊंगा आपको। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का पेशेंट आ गया आपके पास, इसका डायग्नोसिस हुआ बेटा क्यूटेनियस कपोसी सार्कोमा। Based on this diagnosis, the nurse understand that this has been confirmed by which finding? मेरे दोस्तों कपोसी सार्कोमा को कौन से तरीके से कंफर्म करते हैं, जरा आप मुझे इसका उत्तर बताइए, कपोसी सार्कोमा को कंफर्म करने का क्या तरीका है? HIV के पेशेंट्स को होता है कपोसी सार्कोमा, ओके, कौन से तरीके से कपोसी सार्कोमा? तो याद रख लेना, कपोसी सार्कोमा के लीजेंस को कंफर्म करने के लिए पंच बायोप्सी का यूज होता है, स्टार लगा लेना। एक बार तो इस पंच बायोप्सी का इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा था एम्स ने, इस बार भी हो सकता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ले, पंच बायोप्सी का फोटो पूछ ले, क्योंकि थायरॉइड रिट्रैक्टर एम्स हर बार पूछता है, थायरॉइड रिट्रैक्टर उसकी फोटो भी देख लेना आप, जैसे आपको टाइम मिल जाए, ठीक है। तो पंच बायोप्सी का क्वेश्चन अक्सर आता ही रहता है बेटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो कपोसी सार्कोमा के लीजन जो होते हैं ना, रेड, डार्क ब्लू और पर्पल मैक्यूल्स होते हैं। तो पहले ये भी बात याद रख लो कि एस जो होता है कपोसी सार्कोमा, इसके जो रेसेस होते हैं रेड, डार्क होते हैं और पर्पल होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? रेड, डार्क ब्लू और पर्पल, इस तरह के मैक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं स्किन पर इस तरह के सार्कोमा के केस में, कपोसी सार्कोमा के केस में, ओके। और धीरे 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 ये प्लेक्स में चेंज हो जाते हैं
और ये कैंसर, ये जो एड्स के कैंसर की कंडीशन है, सार्कोमा, कपोसी सार्कोमा, मैलिग्नेंसी ड्यू टू द एड्स, तो मैलिग्नेंसी है तो फिर ये मेटास्टेसाइज भी करता है, और मेटास्टेसाइज करके ये दोस्तों मेटास्टेसिस भी करते हैं। तो मेटास्टेसिस इसका कहां से होता है, तो मेटास्टेसिस होता है मेरे साथियों लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, और लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से मेटास्टेसिस करके ये लंग्स में चले जाते हैं, जीआईटी में चले जाते हैं, यहां यहां इनका मेटास्टेसिस हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इस तरह से ये धीरे धीरे कपोसी सार्कोमा प्लैक्स में चेंज हो जाते हैं। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, पंच बायोप्सी। क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 776। आज यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ये वाली भी इम्यून डिसऑर्डर वाली यूनिट भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना, बहुत जल्द एमएसएन आपका कंप्लीट करवा दूंगा। और संडे को, आने वाले संडे को मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरी क्लासेस का एक रिवीजन सेशन करवा दूं, जिससे जितने भी लोग लेट कमर्स हैं वो सबको एक बार पूरे क्वेश्चन दिखा दूंगा रैपिड रिवीजन से, वन से लेकर लास्ट तक जितनी क्लासेस करवाइए। तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए रिवीजन क्लास, एक बार मुझे आप लोग भी बता दो कि अगर कंप्लीट हो रही होगी आपकी तो फिर करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं है या कुछ भी तकलीफ है तो एक बार रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट शॉर्ट में समझाते हुए, रैपिड रिवीजन बता देना आप लोग। द नर्स इज कंडक्टिंग अ एलर्जी स्किन टेस्ट, स्किन का एलर्जी टेस्ट कर रहे हो आप, विच पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशंस आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, कौन से इंटरवेंशन ऐसे केस में अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन होंगे दोस्तों, तो यहां पर आप बता दो कौन कौन से। सबसे पहला, जब भी एलर्जी टेस्ट करो तो इसकी साइट, डेट और टाइम नोट करना चाहिए एलर्जी टेस्ट का। दूसरी बात, गिव द क्लाइंट लिस्ट ऑफ द पोटेंशियल एलर्जन इफ आइडेंटिफाइड, अगर अगर आपको पता चल चुका है एलर्जी टेस्ट से कि इस व्यक्ति को इन इन चीजों से एलर्जी है, तो आप उसकी एक लिस्ट बना करके आप अपने पेशेंट को प्रोवाइड करें। ये दो विशेष बातें होती है जब भी कभी एलर्जी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, तो ऑप्शन वन और टू। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा, 777 वाला, परफॉर्मिंग एन असेसमेंट, क्या कर रहे हो असेसमेंट, क्लाइंट हु हैज बीन डायग्नोस्ड विद द एलर्जी टू लेटेक्स, लेटेक्स एलर्जी से रिलेटेड जो पहले भी करवा चुका हूं मैं, डिटरमाइन दैट क्लाइंट रिस्क फैक्टर दैट द नर्स शुड क्वेश्चन द क्लाइंट अबाउट एन एलर्जी टू विच फूड आइटम, कौन सी चीज से किसी को अगर एलर्जी है तो उसको, लेटेक्स की भी एलर्जी होती है, अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आपको सारे फ्रूट्स के नाम लिखवाए थे, जैसे सबसे पहले लिखवाया था बेटा बनाना, फिर लिखवाया था कीवी, फिर लिखवाया था पाइनएप्पल, ओके, योगर्ट, ओके, पोटेटो, हेजलनट, ग्रेप्स, ये सबसे एलर्जी होती है, उसको लेटेक्स से एलर्जी होने की संभावना रहती है, तो राइट ऑप्शन आ गया फोर्थ ऑप्शन बनाना। तो ये है मेरे साथियों आपका इम्यून सिस्टम, आई थिंक सब लोगों को अच्छा लगा होगा और सब लोगों की प्रिपरेशन में बेनिफिट भी हो रहा होगा। अगर आपको वाकई में बेनिफिट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो डेफिनेटली अपने फीडबैक के माध्यम से मुझे बताएं कि कितना फायदा आप लोगों को क्लासेस का हो रहा है, ताकि मैं अगर कोई भी चीज है तो और भी इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपके हिसाब से आपको क्लासेस पढ़ाई जा रही है। थैंक यू सो मच मेरे साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, गुड नाइट।